हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं मंगल दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 15 डेज टारगेट। जो मैंने बोला है टारगेट 15 डेज, वो आज हम सॉल्व करेंगे। मतलब हम ग्रुप डी को जो टारगेट आपके लिए मैंने बना के रखा हुआ है उसे आज पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है मैथ्स का ही जो दूसरा लेक्चर है आज ये। इससे पहले मैंने आपको बोल चुका है ग्रुप डी का मतलब एग्जैक्टली दूसरा नहीं, ये जो हमारा 15 डे टारगेट है इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैं बहुत वीडियोस डाल चुका हूं, उसे आप जरूर वॉच करिए। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो देखिए, आपको नीचे दिए गए लिंक में उसका नीचे वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए हमारे वीडियोस, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए कंटिन्यू अपडेट्स करते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भाई बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्री से, तो चलिए ठीक है। साइन थीटा, अब मैं रैंडम क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके, इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस के सेट में जो पेपर्स आपके जितने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनमें जो क्वेश्चन रैंडमली पूछे गए हैं, जिस टाइप के पूछे गए हैं उसी टाइप पे बेस्ड हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल आपको दिया गया है 1/√2, और वो आपसे पूछ रहे हैं, जो आपसे पूछा गया है, ये देखो ये तो आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको वैल्यू दी गई है जिसे आपको आसानी से सॉल्व करना है। साइन थीटा इक्वल 1/√2, आपको बोला गया है टेन थीटा प्लस यहां पर कॉस थीटा इक्वल व्हाट, यह आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए सिंपल से, पहले तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा तभी हम दोनों की वैल्यू बता। तो साइन थीटा में जो साइन आपका एंगल आपको याद होना चाहिए भाई कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए कि इस एंगल पे वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री। अगर साइन 45 डिग्री होगा तो यहां पर क्या होगा आपका 1/√2। चलिए अब देखते हैं हमारा आंसर अब क्या होने वाला है। हमें पता चल चुका है थीटा 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। एलसीएम ले दो, रूट टू प्लस 1/√2। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप ये टेबल पूरा याद कर लो, एंगल की न्यूमेरिक वैल्यूज याद कर लो, साइन कॉस कॉसेक sec, tan, cot, इसमें 90 डिग्री तक एटलीस्ट याद कर लो। उसके अलावा भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं जल्द ही आपके लिए SSC CGL के ऊपर बेस्ड लेक्चर्स ला रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे, ज्योमेट्री पे, उसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका परसेंटेज से ही है, जिसमें आपको चुनाव से रिलेटेड इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके बिहाफ पे आपका ये क्वेश्चन मैं डिसाइड कर रहा हूँ और आपको काफी पसंद आएगा आई होप। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में कुल 7500 मतलब 7500 मत दिए गए, जिनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब इनवैलिड हो गए आपके 20%। अब जो विनिंग कैंडिडेट है मतलब विजेता ने 55% कुल वैध मतों का, जो आपके वैलिड जो वोट्स थे उनका 55% प्राप्त किया, और जो हारा हुआ है तो लास्ट में पूछा गया है, तो यह बताओ कि जो पराजित उम्मीदवार था, जो हारा हुआ उम्मीदवार है, उसे कुल कितने मत मिले। ठीक है, यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे से, देखिए टोटल वोट्स कास्टेड जो आपके हुए 7 इनवैलिड 20%, तो ये आपका कौन सा सेक्शन आ गया इनवैलिड का, तो इनवैलिड तो आप माइनस कर दोगे, कितना 7500 का 20% आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो 7500 का 10% कितना होता है, 10 का भाग करो 750, उसका डबल 1500 मात्र यहां से आप माइनस कर दो तो बचा कितना 6000। तो ये जो 6000 बचा है ये आपके कौन से वोट्स हो गए वैलिड वोट्स। इसमें से अगर आपका जो विनर है उसे 55% मिले, तो जो आपका यहां पर डिफीटेड है, जो हारा हुआ है, मतलब आप हिंदी में अगर लिखवाना चाहते हो तो पराजित बोलूंगा उसे, पराजित वाले
कैंडिडेट को कितने मिले? 45%। 6000 का 45% निकाल लो, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 6000 का क्यों निकाला, 7500 का क्यों नहीं? क्योंकि 7500 में से 20% वोट आपके इनवैलिड हो गए थे, जिन्हें माइनस करके फिर मार्किंग हुई। तो ये 6000 में से 55% आपके मिले विनर को, तो पराजित को कितने मिले? 45%, मतलब जो हारा हुआ कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट को यहां पर मिले इतने, तो लूजर ने कितने पाए यहां पर? हारे हुए ने 45%। 27 आपको 6000 का निकालना है 45%, तो देखो मैं बता रहा हूं आपको कैसे निकालोगे। 6000 का 45% आपको निकालना है, तो 6000 देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज का साइन मैंने हटा दिया है फ्रेंड्स, आपको 45% निकालना था किसका? 6000 का, क्योंकि इतने मत ही मिले। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 45 का आपने 60 में मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट 2700 वोट्स। अब इसे और शॉर्टकट में कैसे करेंगे आप पूछते हो, तो देखो कुछ नहीं करना था, 7500 का पहले 20% हटा दो भाई, 1500 कैसे 750, 10% उसका डबल हो गया, 1500 माइनस किया 6000 हुआ। 6000 का आपको 45% निकालना है, क्योंकि जो आपका हारा हुआ कैंडिडेट है उसने कितने पाए हैं यहां पर? उसने 45% पाए हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 50% निकाल सकते हो ना 6000 का, कितना होगा? आधा, 3000। अब ये 50% अगर 3000 है तो उसमें से कितना कम करना है? 5% और। तो 50% 3000 है, ठीक है, 6000 का 10% कितना होगा? 600 का आधा 300, 305% का काम करेगा। अगर मैं 50% में से 5% माइनस करता हूं, अगर मैंने लिखा 50% माइनस 5%, तो आपको कितना मिलेगा? 45%, ऑब्वियसली यही मिलेगा ना, तो बहुत आसान हो गया। 3000 50% और 305%, तो यहां पर 3000 भाई 50% था, एक जीरो ही कम है ना, तो यहां भी एक जीरो कम कर दो, 300, तो आपका कितना आ गया? 2700 मत मिले थे हारे हुए कैंडिडेट को। तो आई होप मैं आपको बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ये यहाँ पर जो हम लोग का मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन शेयर करें और तुरंत सॉल्व करें और आगे बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो हमारी शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, डिटेलिंग के साथ जैसे प्रॉपर क्लास में पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ आप तक पहुँचे, इसलिए मैं हर एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो ये मेरी कोशिश है। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15% वार्षिक चक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन की गणना करें। तो यहां पर तो पहले आपको समझना है कि भाई एक राशि है P, वो कुछ वर्षों में क्या हो जाएगी? P प्लस SI। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये है आपका मिश्रधन अमाउंट, ये आपको दिया गया है यहां पर। और क्या बोला गया है आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम आपको बोला गया है फ्रेंड 4 इयर्स, तो 15% है और टाइम आपको बोला गया 4 इयर्स, मतलब R into T तो मैं पहले ही निकाल लेता हूं यहां पर, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। P आपको फाइंड आउट करना है, चलिए ठीक है, लेकिन जो आपका SI होगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो प्रिंसिपल का कितना होगा? 15 का 4 में गुणा करो तो आपका आएगा 60% ऑफ। भाई एक साल में 15% मिली, 4 साल में कितना मिलेगा मूलधन का? 60%, 60% ऑफ प्रिंसिपल। अब यही तो मुझे देके रखा हुआ है हमने कि पी प्लस 60% ऑफ पी, ये आपके लिए मैं डिटेलिंग में लिख रहा हूं, आपको शॉर्टकट में ही हमेशा ट्राई करना। बराबर कितना हो गया आपका? 6000। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 160% ऑफ पी बराबर 6000 रुपए, पी बराबर 6000 अपॉन 160 इंटू में क्या हो गया आपका परसेंट से, तो 100 ऊपर आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, अब फिर क्या बचा आपका यहाँ पर? 16, तो आपका ऊपर और क्या है यहाँ पर बचा हुआ है? 10। तो सिंपली आप 16 से कैंसिल करके देखो, इसे 16 का 3 बार करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है 3 आ रहा है, फिर आपका 12 बचा है यहाँ पर, फिर आप 16 का एक बार और करोगे तो 7, फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा? 8, तो फिर कितना आ गया? 5, और मल्टीप्लाई किसका था यहाँ पर? 10। 3750 रुपये की आपकी जो राशि थी उस पे आपको क्या हो गया यहाँ पर, ये पता चल गया कि मूलधन जो आपका था वो कितना था? 3750 रुपये। उस पे जब आपने 4 साल में 15% ब्याज हर साल लगाया, प्रतिवर्ष लगाया, तो आपका अमाउंट जो बना, मतलब मिश्रधन बना, वो कितना था यहाँ पर? 6000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें और भी कई क्वेश्चन अभी शेयर करने हैं।
किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/3 भाग का 1/4 भाग 15 है, कितना है 15 है, उस संख्या का 40%, 60%, 70% कितना होगा। देखो मैंने तीन पूछ लिया, 40, 60 और 70, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। एक्चुअली में बोला गया तो हम पहले बोल देते हैं, वो संख्या जो है नंबर को एज्यूम कर लो भाई x है, x का पहले तो क्या 2/5 का 1/3, मतलब इसका भी 1/3, इसका भी क्या 1/4। तो इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब क्या होता है, x इंटू 2/5 इंटू 1/3 इंटू 1/4, अब इक्वल में कितना है ये 15, सिंपल। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आपका x जो संख्या थी वो क्या थी। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, 5 का 3 में करो आप कितना आएगा 15, ये 2 से कैंसिल ही कर दो यहां पर, तो यहां कितना हुआ 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का 15 में मल्टीप्लाई करो 450, तो जो संख्या है वो कितनी है 450। अब इसका क्या बोला गया भाई, 450 का मुझे निकालना है, 40% 40% पूछा था, 450 का मैंने आपसे बोल दिया 60%, 450 का ही मैंने आपसे बोल दिया 70%, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 450 का क्या निकालना है पहले आपको 40%, 450 का 10% कितना होगा, 10 का भाग करो 45, 45 का आपको कितना गुना करना, जब 10% अगर 45 है तो उसका 4 गुना 40% होगा, 45 का 4 गुना कर दो, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, तो आपका आंसर कितना हो गया यहां पर 180। ऐसे ही यहां पे 45 है, 45 का ही मुझे क्या निकालना है 450 का ही निकालना है 60%, 10% कितना होगा, 10% आपका होगा यहां पर 45 का ही आपको यहां पर सॉल्व करना था, कुछ मत करो। देखो पहले क्या निकालना है 60%, 60% को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ये बताओ, 10% तो आपको पता है कितना होगा 45, 10 का भाग कर 50%, 450 का आधा मतलब कितना 225, इन दोनों को ऐड करना है, तो आप आसानी से ऐड भी कर सकते हो। देखो 200 का तो 200 रहेगा, 20 और 40 हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, या 25 और 45 कर लो कोई दिक्कत नहीं, 270 ही आएगा, तो आपका आंसर कितना हुआ 270। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि मुझे 70% जो है वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस ट्रिक से अप्लाई करके बताओ कि कैसे निकलेगा और आसानी से पूरा तरीके से सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा माइंड यूज करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट इसके लिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, मतलब यहां पर दिया क्या गया है आपको, ए और बी दिया गया है, इनका क्या दिया गया है टाइम दिया गया है भाई, ये 10 दिन में कर रहा है तो ये तो ये कितने दिन में कर रहा है आपका 20, ठीक है, ये रेशो आपको दिया गया। अब आपसे पूछा गया है यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो कार्य का कितना अंश बचेगा, मतलब कितना भाग बचेगा, अंश मतलब यहां पर भाग पार्ट की बात हुई, तो कुछ नहीं करो पहले तो निकालोगे यहां पर क्या एलसीएम, एलसीएम से निकलेगा भाई कुल कार्य कितना था, ये हमारी ट्रिक है, मैंने टाइम एंड वर्क के वीडियो डाले हैं, मस्ट वॉच फॉर यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 20 होगा क्योंकि यहां पर 10 का भाग 20 में जा रहा है, बड़ी संख्या में जा रहा है आ रहा है, तो यहां पर आपका टोटल वर्क हो गया 20। एफिशिएंसी निकालता हूं भाई, एक दिन में कितना यहां पर काम कर लेते, काम की बात आई, मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था चाय पीने वाला बताया था कि भाई एक दिन में कितनी चाय पीते तो दो दिन में कितनी पिएंगे, वही कॉन्सेप्ट हम यहां करने वाले। 10 दिन में 20 चाय पीता है तो एक दिन में कितनी पिएगा 2, 20 दिन में 20 चाय पीता तो एक दिन में कितनी पिएगा 1, दोनों मिलकर अगर एक दिन में चाय पीना चाहे तो कितनी चाय पिएंगे 3। काम कितने दिन तक हुआ भाई 5 दिन तक, अगर दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो कितनी चाय पी गए 15, चाय कितनी है आपके पास बची हुई चाय, इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहां पर कितना था आपका 20 चाय, 15 चाय तो इनने पी ली, आपको दिया क्या है बाद में, बाद में ये दिया है यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो काम का कितना अंश बचेगा, तो यहां पर आपका कितना बच रहा भाई 5 बच रहा है, लेकिन आपको यहां पर ये किसमें दिखाना पड़ेगा भाग के तौर पे, मतलब रेशो के तौर पे किसके टोटल काम कितना था, तो टोटल वर्क आप देखोगे और बचा हुआ, तो रिमेनिंग वर्क जब भी ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, रिमेनिंग जो आपका रहेगा वर्क अपॉन में टोटल वर्क, तो भाई बचा हुआ कार्य कितना है 5 चाय का, कुल कार्य कितना था 20 चाय, तो भाई 1/4 भाग या अंश आपका बचा हुआ है जो बच जाएगा काम करने से, तो काम का कितना अंश बचा 1/4, 1/4। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब अगला क्वेश्चन जो है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो, कितने परसेंट की वृद्धि हो, 50% की, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहली बात तो आपको जो स्फीयर होता है, गोले का मतलब स्फीयर होता है, इसका जो एरिया होता है वो पता होना चाहिए कितना होता है, 4πr कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है, कितना होता है स्क्वायर, मतलब रेडियस यहां पर दोस्तों कितनी हो रही है आपकी, आर स्क्वायर। तो आपको बस इतना देखना था, आर का क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल हो रहा है आर का स्क्वायर। तो जब भी आपसे पूछा जाए वृत्त के बारे में पूछा जाए, देखो ये जो मैं अभी कंसेप्ट बताने वाला हूँ ये आपका बहुत चीजों में काम आएगा, लेकिन जब भी ये रेडियस वाली बात आती है तो चाहे आपको सर्कल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, या चाहे आपको किसके बारे में पूछा जाए, आपके ये स्फीयर के बारे में, एक ही कंसेप्ट लगाना है, एक्स प्लस वाई वाला जो एक्स वाई अपॉन 100 है, इसमें आपको बस यूज करना है इस प्रोसीजर को, बस आपका आंसर अच्छा रहेगा ये कभी भी हो, क्योंकि आपकी रेडियस एक्चुअली में दो बार यूज हो रही है, आर स्क्वायर का मतलब है दो बार यूज होना। अब इस कंसेप्ट को आप और भी जगह यूज कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाले हुए हैं और मैं आपके साथ और भी वीडियोस इस पे शेयर करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, आर कितना दिया है आपको, कुछ नहीं, आर कितना दिया बताइए, आर दिया है आपको 50% बढ़ा दी गई गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पर 50, वाई भी कितना हो जाएगा 50, क्योंकि आर प्लस आर प्लस आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया इस चक्कर में, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, 50 और 50 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, तो आंसर कितना होगा 125। तो आपका जो प्रतिशत वृद्धि होगी एरिया में वो कितनी होगी, 125%। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी और ये बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकती है। जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम और शेयर करेंगे आपसे यही चीज़, इसके और कंसेप्ट, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर यहाँ पर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई है कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैंने बोला हुआ है, आप कमेंट कर ही सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और हम आपके लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको हमसे हेल्प मिल सके, आप लोग अपना टारगेट अचीव कर सकें, रेलवे ग्रुप डी जो एग्जाम है आपका आप सभी क्लियर कर सके। आखिरी में जाते जाते मैं बस ये बोलना चाहूंगा, जिनने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इसे शेयर करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.